रहेगा बेटा, टॉप रैंकर, इज्जत से आ। मैं जब इनसे नापरिया में जब कास्ट कर रहे थे यहाँ पर, तो जी हाँ, हमें देखने को मिलते नजर आए थे वो यहाँ पर इस तरफ पोचिंग की तरफ। बट अभी के लिए बात की जाए टीम ब्लाइड ईस्पोर्ट्स की, गॉड लाइक को शायद वहां पर उन्होंने ऑफ गार्ड वहां पर कैच करा था, और लग तो रहा है जोनाथन जरूर रिटेलिएट करने की कोशिश वहां पर करे। बट अभी के लिए काफी मुश्किल की घड़ियां दोनों ही टीम के लिए अभी के लिए नजर आ रही है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से ब्लाइंड के लिए, क्योंकि नंबर्स उनके पास बचे नहीं। यहाँ पर एक एक करके कुचला भी जरूर जा रहा है, एंड आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए क्या वो बचा पाएंगे अपने टीम को। और ये जंप जो शॉट निकाला है जोनाथन ने, क्या कमाल का जंप एंड शॉट विद दिस टीबीएस। अब मुश्किल की घड़ी यहां पर टीम ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स के लिए। आज के दिन में पहला गेम भी अच्छा नहीं गया था, और यहां पर भी ऐसा लग रहा कि मारो टीम ब्लाइंड पूरी तरीके से बैकफुट पे जाती नजर आएगी। एंड बैकफुट पे ले जाने वाला भी एक शख्स है, जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर जोनाथन की। ग्रेड को किया जा रहा है शायद एस पावर के बिल्कुल आसपास ही है, और ये दो बेस्ट एमवीपी जब एक दूसरे के अगेंस्ट में भिड़ेंगे, एक के पास यहां पर S12 के है तो दूसरे के पास वहां पर DBS है। बट ग्रेनेड एक और बार किस्मत अभी भी वापस से चमकी है, क्योंकि एक गोल्डन एज पे सर्वाइव यहां पर करते नजर आ रहे हैं जोनाथन वर्सेस एस पावर। किसकी होगी यहां पर विक्ट्री? बट अभी के लिए देखा जाए तो गॉडलाइक के पास नंबर्स का एडवांटेज है, बट एस पावर को इसी चीज के यहां पर ध्यान रखने में चलना पड़ेगा। S12 के निकाली गए, सामने से DBS का शॉट जरूर आने वाला है, लेकिन जोनाथन क्या यहां पर नेक्स्ट अप्रोच रहेगा? दूसरे से जो खिलाड़ी वो नॉकआउट हो रहा है, उसको भी रिवाइवल देना बहुत जरूरी बना। बट अभी भी ये जो चेसिंग गेम प्ले चल रहा है, कहां पर दूसरी तरफ है एस पावर, दो टाइटंस नजर आते हुए। एस पावर अब पुश करेंगे, जोनाथन भी अकेले, एस पावर भी अकेले, एक तरफ है S12 के, दूसरी तरफ है DBS, कौन जीतेगा? बट ये क्या, गमला बॉय कम्स इन विद द ग्रेनेड और ये बैटल को समाप्त कर दिया है। बट जोनाथन, ओ माय गॉड, गमला बॉय